लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ टीथ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन में नेक्स्ट अब क्या आता है, जो टीथ बकल कैविटी का जो है वो पूरा हमने कर लिया था, जिसमें हमने वेस्टिब्यूल, पैलेट्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड का टॉपिक कर लिया था हमने स्टूडेंट्स, सलाइवरी ग्लैंड बता दिए थे मैंने आपको। यस मैम। ओके ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कहां से, थ्रॉट से, ठीक है। थ्रॉट जो हमारा गले वाला रीजन है वहां पे, ठीक है। तो ठीक है, दैट इज ओरल एंड दैट इज नेजल पासेज, ठीक है। अब यहां पे क्या दो पाइप्स होती हैं, ठीक है, दो पाइप्स होंगी, एक जो है विंड पाइप होगी और एक क्या होगी ईसोफेगस होगी। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जो उस दिन हमने किया था, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, जो कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है, प्रोहिबिट करता है। इसके बाद अब यहाँ पे हम आज शुरू करेंगे थ्रॉट रीजन में। अब देखो ये मान लो ये वाली जो पाइप है दैट इज ईसोफेगस, ईसोफेगस पीएच और फूड पाइप। अब इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ये इसका एरिया है जो स्टमक के नजदीक है। अगर यहां पे मैं स्टमक ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये स्टमक का रीजन रहेगा। ऐसे यहां पे लास्ट में स्टमक होता है। अब जो ये ईसोफेगस होती है, ठीक है, इसकी जो ओपनिंग जो कि आपके गले के पास है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गलेट। गलेट क्या है, ईसोफेगस की ये वाली ओपनिंग है जो हमारे थ्रॉट के नजदीक है। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस नियर थ्रॉट इज नोन एज गलेट। अब साथ साथ में स्टमक वाला पार्ट का यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। स्टमक जो है यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट, अब इसको पूरा जो स्टमक है ये इसकी भी क्लासिफिकेशन, इसका भी क्या है स्ट्रक्चर जो है डिवाइडेड होता है। 10th क्लास में हमने सिर्फ एक स्टमक लिखा था, दैट्स इट। बट इस पार्ट को, यहाँ वाले पार्ट को बोलते हैं फंडस, फंडस। इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इधर लिख लेती हूँ, कार्डिक, कार्डिक पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। यहाँ वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है। और यहाँ वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, बॉडी, ठीक है। तो स्टमक के कितने पार्ट हुए, फोर पार्ट हुए, फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक एंड बॉडी। अब जो स्टमक का ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक और ओपनिंग होगी। इन इन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, स्पिंचर्स, स्पिंचर्स। ये क्या है, जनरली ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग्स हैं, ठीक है, जो खुलती हैं बंद होती हैं, जब खाना आएगा तभी ओपन होगी, ऐसे ये क्लोज रहेगी, ठीक है, जिनको स्पिंचर्स बोलते हैं। तो पहला स्पिंचर हमने अभी तक ये किया, पहला गलेट याद रखना, दूसरा यहां वाला होता है, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं ईसोफेजियल स्पिंचर, ईसोफेजियल स्पिंचर। ये दूसरा स्पिंचर किया हमने, ठीक है। स्पिंचर का मतलब है, आप जनरली ऐसे ध्यान रख लो कि एक डोर की तरह है, जो जब जब जरूरत होगी तब खुलेगा, अदरवाइज क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक ओपनिंग यहाँ है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये पाइलोरिक रीजन है, इसीलिए इस ओपनिंग को क्या बोल देते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। इसको क्या बोल देते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर बोल देते हैं, ठीक है। ये तो थे पार्ट ऑफ स्टमक। अब यहां पे वापिस आ जाओ ईसोफेगस पे। अब ईसोफेगस में क्या होगा, अब देखो ये ईसोफेगस है, फूड आया, और ऐसा नहीं है कि फूड आया और एकदम से पाइप से होता हुआ नीचे चला गया, नहीं, इसके अंदर जो है वो मूवमेंट होती है। पहले फूड यहां आया, तो जहां फूड आया वो वाला पार्ट जो है वो ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो गया, यहाँ फूड आया तो ये क्या करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर को, ताकि कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वाला पार्ट और अगले पार्ट में मूव करेगा फूड को, ठीक है, ये क्लोज पार्ट है। फिर जब फूड यहाँ आएगा तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगला पार्ट जो है वो रिलैक्स हो जाएगा इस मूवमेंट से, ठीक है, ये आगे आगे होता जाता है, और इसी मूवमेंट से फूड जो है इस पाइप में जो है मूव करता है, और इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये सिर्फ कहाँ होती है, फूड पाइप में होती है, क्यों, फूड को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम थ्रॉट रीजन टू द स्टमक, ठीक है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट आपने वर्ड याद रखना है। ईसोफेगस के बारे में इतना ही है।
अब देखो नेक्स्ट स्टमक, ईसोफेगस के बाद स्टमक आ जाता है, ठीक है। स्टमक में मैंने बता दिया स्टमक के फोर पार्ट्स होते हैं, फोर पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से? फंडस नंबर वन, फंडस नंबर टू, कार्डिक नंबर थ्री, बॉडी नंबर फोर, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। इन फोर पार्ट्स में, अब स्टमक में क्या होता है देखो, स्टमक के अंदर क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्क्रीट होता है। HCl पीएच जनरली जो है वो एक से तीन के बीच में रहता है, वन टू थ्री रहता है। अब आप सोचो अगर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होगा तो हमारा स्टमक तो जल जाएगा, अंदर से उसकी लाइनिंग जल जाएगी। इसीलिए स्टमक की इनर लाइनिंग पे म्यूकस की कवरिंग होती है, पूरे स्टमक की इनर लाइनिंग पे किसकी कवरिंग होगी, म्यूकस। अभी म्यूकस क्या है, जैसे थिक हमारा सलाइवा होता है, सलाइवा की तरह ही थिक सब्सटेंस होता है जो कि स्टमक में और बहुत सारी ईसोफेगस की लाइनिंग में भी होता है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी होता है, लेकिन स्टमक में ज्यादा होता है। म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, क्या करता है, वो हमें जो डैमेज है होना होता है एचसीएल से, उससे प्रिवेंट करता है। अब एक और चीज याद रखना कि ये जो म्यूकस है ये कौन सी सेल्स जो है वो सीक्रेट करते हैं स्टमक के, जो ये स्टमक की वॉल है ना, इनमें बहुत सारी अलग तरह की सेल्स होती हैं जिनका अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे जो HCl है, तो या क्वेश्चन भी अलग से भी आ जाता है एक नंबर में, ठीक है। और ये नीट एग्जामिनेशन आपकी होती है, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच टाइप ऑफ सेल्स सीक्रेट्स HCl, तो HCl इज सीक्रेटेड बाय, ठीक है, कौन सी सेल होती है, ऑक्सेंटिक सेल्स, और इनको और क्या बोलते हैं, पेराइटल सेल्स। ये स्टमक में प्रेजेंट होंगी, इन सेल्स से ही क्या होगा, स्क्रीट होगा क्या, HCl, ऑक्सेंटिक सेल्स। ये तो था HCl। अब जो म्यूकस होता है वो कौन स्क्रीट करता है, म्यूकस इज सेक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल्स ऑफ स्टमक। गॉबलेट सेल याद रखना आपने, ऑक्सेंटिक सेल्स एंड पेराइटल सेल्स याद रखना। पेराइटल सेल, ऑक्सेंटिक सेल क्या स्क्रीट करती है, HCl स्टमक में, और स्टमक की जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो म्यूकस को स्क्रीट करती हैं स्टमक में। अब स्टमक में फूड गया, जब स्टमक में फूड पहुंचता है तो HCl होता है, HCl क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है, ठीक है, खाने को ब्रेक करता है। और एक और चीज HCl से मैं बता रही हूँ आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा, HCl क्यों जरूरी होता है, फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। एक पेप्सिन एंजाइम होता है, पहले इसको बोलते हैं प्रोपेप्सिन, प्रोपेप्सिन। जब जो है प्रोपेप्सिन को HCl मिल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन को। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसका क्या फंक्शन होता है, ये प्रोटीन्स, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है इसकी, किसमें, पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स, ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है जिनको मिला के प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन टूटेगी तो इनमें टूटेगी, ठीक है, और वो कौन तोड़ रहा है, पेप्सिन एंजाइम। तो देखो स्टमक के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, एक तो HCl सीक्रेट हो रहा है, कौन सी सेल्स सीक्रेट कर रही है, ऑक्सेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स सीक्रेट कर रही है। एक तो HCl का ही फंक्शन है कि वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, जो कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन है उनका जो ब्रेकडाउन है उसमें हेल्प कर रहा है। और HCl अगर हमारे फूड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उनको भी किल करता है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे स्टमक में जो फूड है वो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमने खाए हैं, प्रोटीन हमने खाए हैं, तो वो कितनी देर के लिए हमारे स्टमक में रहता है, और जैसे फैट्स है वो कितनी देर के लिए रहता है, जैसे कौन कौन सी चीजें, एक तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, सेकेंड हम प्रोटीन लेते हैं, फिर हम फैट्स होता है हमारी बॉडी में, तो ये सब जो चीजें हैं वो कितनी देर के लिए जो है वो रहती हैं, ठीक है। ये जो है वन टू टू आवर्स जो है वो स्टमक में रहती है, इसके बाद ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है वहां पास हो जाता है, ठीक है। फैट्स जो है वो आपके जो है 3 to 4 hours रहते हैं, जो फैट्स हैं वो 3 to 4 hours हमारे स्टमक के अंदर रहते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं वो 4 to 6 hours तक जो है हमारे स्टमक में रहते हैं, इसके बाद ये मूव कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन।
टाइम में. तो ये था अबाउट स्टमक, अबाउट ईसोफेगस. आपको क्लियर हो गया इतना स्टूडेंट्स? अच्छा ओके. एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी. देखो फूड, फूड हम बोल रहे हैं बार बार, फूड टर्म बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं फूड की आपको तीन नई टर्म्स बताऊंगी. अगर फूड जो है वो माउथ में है, माउथ में है, पहली कंडीशन. सेकंड, फूड जो है वो स्टमक में है. थर्ड कंडीशन, फूड जो है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो यहाँ पे भाई हम इसको फूड नहीं बोलेंगे. नई टर्म्स आपके लिए वो बोलेंगे कौन सी. अगर फूड जो है वो माउथ में है, मतलब फूड होगा ठीक है, प्लस उसमें स्लाइवा भी होगा क्योंकि आपको पता है स्लाइवा सीक्रेट होता है माउथ में, तो उसको यहाँ पे हम बोलेंगे बोलस. क्या बोलेंगे? बोलस. ठीक है. अगर फूड स्टमक में है जिसमें एक्सियल म्यूकस भी है उसको बोलते हैं चाइम. फूड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चाइम बोलेंगे. अगर मैं चाइम वर्ड का यूज हो जाएगा आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि मैम स्टमक की बात कर रहे हैं, स्टमक के अंदर जो फूड है उसकी बात हो रही है. और अगर फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया तो उसको क्या बोलेंगे? चाइल बोलेंगे. चाइल और चाइम में कंफ्यूज नहीं करना है. तो ये तीन टर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक बार नीट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. यहाँ से देखो पैराइटल सेल वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, डेंटल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में बहुत बार आए हुए हैं, आपके बोलेस टाइम चाइल इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो गॉबलेट सेल वाला क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है, फिर स्पिंटर्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार ठीक है. इतना क्लियर हो गया. इसके बाद अब डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के